कि पिक्सल 5 का प्रॉक्सी यूआरएल कैसे बनाया जाए और क्यों बनाया जाए। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट कि जब हम पिक्सल 5 नॉर्मली यूज़ करते हैं तो उसका रेफ़र जो है अमेज़ॉन के पास चला जाता है, ठीक है। अगर आप जो है रेफ़र को हाइड भी कर देते हैं तो फिर भी एक अमेज़ॉन के पास ट्रेस जाता है। तो बेसिकली जो नॉर्मल यूआरएल है उसमें इस तरह होता है कि पहले यूज़र रिक्वेस्ट भेजता है पिक्सल 5 को और पिक्सल 5 उसको अमेज़ॉन पे रेफ़र कर देता है, ठीक है। और अब मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, देखें। अब यहाँ पर जाएं, राइट क्लिक इंस्पेक्ट करें, क्रोम में जाके नेटवर्क में जाएं, ओके। अब ये स्क्रिप्ट है हमारा, जो प्रॉक्सी स्क्रिप्ट है। अभी मैं इसको बाद में आपको दिखाता हूँ क्या करता है। ये मेरी ये पिक्सल 5 की यूआरएल है मेरे पास एक, मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने डॉक पे क्लिक किया हुआ है, देखें ये पिक्सल 5 ने हमें भेजते हैं अमेज़ॉन पे गार्लिक पैक्स की वर्ड आ रहा है। तो ये जो फर्स्ट है मैं इस पर ये क्लिक करता हूँ और ये हेडर्स में जाके और ये रिक्वेस्ट हेडर्स में, ठीक है। ये देखें ये रेफ़र आ रही है पिक्सल 5 की। अब आप इस रेफर को पिक्सल 5 में ऑप्शन होता है जब आप यूआरएल बनाते हैं तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। ये देखें ये ऑप्शन हाइड रेफर का आ रहा है ऑप्शन, तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अमेज़ॉन को पता लग जाएगा कि वेबसाइट जो है वो पिक्सल 5 से आ रही है। तो हमें ये बनाने की ज़रूरत ये है कि कभी खुदा ना खास्ता अमेज़ॉन क्रैक कर लेता है पिक्सल 5 की यूआरएल को या इस पर एक्शन ले लेता है तो हमें कोई पेनल्टी ना पड़े, नंबर वन। नंबर टू, हमें जो है लिंक जूस चाहिए कि हम अमेज़ॉन को ये शो करें कि वेबसाइट हमारी वेबसाइट से, ब्रांड की वेबसाइट से आपको ट्रैफिक दे रहे हैं, तो उसका हमें रैंकिंग जूस और लिंक जूस मिलना चाहिए। ये दो मकसद हैं बेसिकली। तो पिक्सल 5 ख़ुद भी जो है ना ब्रांडेड यूआरएल को सपोर्ट करता है, लेकिन थोड़े से प्लान इसके महंगे हैं। ये देखें आप, थोड़े से ये जो प्रोफेशनल प्लान है इसमें ऑप्शन नहीं है, ये जो बिज़नेस प्लान है इसमें ऑप्शन है अनलिमिटेड ब्रांडेड यूआरएल्स, तो इंटरप्राइज में भी है। लेकिन अभी ये मेरे जो इल्म में है कि ये भी अभी लाइव नहीं हुए ऑप्शंस, ठीक है। जब ये लाइव होंगे तो फिर हमें इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी, हम डायरेक्ट ही पिक्सल 5 यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त तक हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर आप हाइड रेफरल पे भी क्लिक कर देते हैं तब भी जाके यहाँ पे तो जो है आप HTML के थ्रू रेफ़र नहीं भेजेंगे, लेकिन इनिशिएटर में जाके यहाँ पे जाके आपको पता लग जाएगा, तो अमेज़ॉन के पास फिर भी ये जाएगा ना कि ये ट्रैफिक पिक्सल 5 से आ रही है। तो अब ये प्रॉक्सी स्क्रिप्ट जो है ये करता क्या है, बेसिकली ये करता ये है कि आपका जो वेब सर्वर होगा, आपका जो cPanel होगा, उसमें जाके ये स्क्रिप्ट PHP का आप अपलोड कर देंगे और जैसे ही यूज़र रिक्वेस्ट भेजेगा आपके डोमेन पे जाएगी, वहाँ से फिर पिक्सल 5 पे जाएगी, पिक्सल 5 अपना लिंक जो है वो जनरेट करेगा और आपके डोमेन को भेजेगा। आप वही चीज़ अपने डोमेन के थ्रू यूज़र को दिखाएंगे और फिर अमेज़ॉन पे रिक्वेस्ट भेजेंगे। तो इस सूरत में अमेज़ॉन को बिल्कुल नहीं पता लगेगा कि पीछे पिक्सल 5 है, वही समझेगा कि आपके डोमेन से ट्रैफिक आ रही है। तो अब मैं आपको ये करके दिखाता हूँ कि ये किस तरह होता है। मैंने इसको अपने एक होस्ट पे अपलोड किया हुआ है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें pixel5.php ये फाइल है, आप इसको रीनेम करके कुछ और नेम भी रख सकते हैं। ये देखें ये ले गया है आपको अमेज़ॉन की वेबसाइट पे। अब ये रेफर शो कर रहा है या नहीं इसको मैं आपको वेरीफाई करने के लिए वही जगह करता हूँ, क्रोम मेनू विंडो इंस्पेक्ट, और ये मैं नेटवर्क में जाता हूँ और ये डॉक पे क्लिक कर दिया, ठीक है। ये वही मैं अपना वेबसाइट खोल लेता हूँ जो मेरी ब्रांड की वेबसाइट है और ओपन हो रहा है अभी, देखें अमेज़ॉन पे आ गया, ठीक है। इसके बाद हम ये पहले क्लिक करेंगे, हेडर्स पे जाएंगे, देखें रिक्वेस्ट हेडर्स, और ये देखें हमारी ब्रांड की वेबसाइट का यहाँ पे रेफ़र आ रहा है। अब अमेज़ॉन ये समझ रहा है कि वेबसाइट की ट्रैफिक जो है वो हमारी ब्रांड की वेबसाइट से, और आ भी हमारी ब्रांड की वेबसाइट से रही है, हम अमेज़ॉन को बिल्कुल भी नहीं शो कर रहे कि हम पिक्सल 5 यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ देखें क्योंकि हमने हाइड रेफर नहीं किया हुआ तो ये अभी कुछ नहीं शो कर रहा, अगर हम हाइड रेफर कर देते तो फिर इनिशिएटर में हम चेक कर सकते थे। तो अब ये अमेज़ॉन के पास आ गया, ठीक है, इसका हमें ये फ़ायदा हो गया। तो अब आ जाते हैं कि ये मोबाइल पे किस तरह शो होगा, ये iOS पे किस तरह शो होगा, क्या ये डीप लिंक्स को सपोर्ट करेगा या नहीं जो पिक्सल 5 कर रहा है। तो जो भी फीचर्स होंगे, सुप्रीम यूआरएल है, सुपर यूआरएल है, कोई भी फीचर्स होंगे जो पिक्सल 5 आपको दे रहा है वही कि वही सिर्फ इसको प्रॉक्सी उसको यूज़ करेगी, सिर्फ आपको रेप्लिकेट कर रही है, रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड कर रही है। तो जो भी
पिक्सल 5 के फीचर्स हैं वो सब के सब आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये मोबाइल पे किस तरह शो होता है। तो मैंने इसको एंड्रॉयड पे टेस्ट किया है और ये विंडोज़ पे टेस्ट किया है, iOS पे नहीं किया। iOS पे आप इसको खुद टेस्ट करके देख लें कि ये काम करता है या नहीं करता। जी मैं ये मोबाइल से हूँ, अगर आप इसको इस लिंक को मोबाइल में ओपन करेंगे तो ये डीप लिंक ओपन करेगा, लेकिन अगर किसी मैसेंजर के थ्रू ये आया है तो फिर ये ओपन करेगा। देखें ये मैसेंजर के थ्रू मैं ओपन कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू ये व्हाट्सएप ओपन हो रहा है। देखें ये अमेज़ॉन की ऐप ओपन हो गई है और ये हमारा एसिन ओपन हो गया है। लेकिन अगर मैं इसी लिंक को कॉपी करके क्रोम में ओपन करता हूँ, तो ये ऐप नहीं ओपन करेगा। ठीक है, ये पिक्सल 5 का लिंक भी बिल्कुल इसी तरह करेगा। अगर मैं दोबारा इधर जाता हूँ, सॉरी ये मैंने ये पिक्सल 5 का लिंक कॉपी किया और क्रोम में मैं फिर गया, टैप पेस्ट गो। ये देखें पिक्सल 5 के लिंक ने भी ऐप ओपन नहीं की, अगर हम इसको डायरेक्ट ओपन करेंगे तो। हाँ, अगर ये किसी मैसेंजर के थ्रू ओपन होगा तो ये अमेज़ॉन की ऐप डीप लिंक के थ्रू ओपन करेगा। शुक्रिया।